की सजावट की है और विशेष तरीके की यहाँ पर आकृतियां भगवान के विग्रह पर बनाई गई है, क्योंकि उनका श्रृंगार केसर के रंग से हुआ है और केसरी ही कपड़े यहाँ पर ठाकुर जी ने पहने हुए हैं। मंदिर में मनाया जा रहा है कृष्ण जन्मोत्सव। आज जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में, हर कोई भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो रहा है और भगवान कृष्ण और देखिए अनोखा इतिहास इस मंदिर का है, जहां पर पूरे देश में रात के 12 बजे ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, वहीं ये देश का एकमात्र एक ऐसा मंदिर है जहां पर दिन के 12 बजे भगवान का जन्म होता है, भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। तो दिन के 12 बजे देश का एकमात्र ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण, माना जाता है कि भगवान कृष्ण दिन के 12 बजे जन्म लेते हैं और इसी के चलते यहां पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों और घरों में कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास है और देखिए पूरे संत जन मिलकर पूरे विधि विधान से ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, उनका विशेष श्रृंगार किया गया है, महाआरती हो रही है और यहाँ पर श्रृंगार के साथ भगवान का सबसे पहले महाअभिषेक किया गया है। और देखिए पूरे देश में जहां हर मंदिर में रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय पर जब वो अवतार लेते हैं, जब वो जन्म लेते हैं, उनका प्राकट्य होता है, तो भगवान रात के समय ही प्राकट्य भगवान का माना जाता है। लेकिन ये प्रदेश और देश का एक ऐसा मंदिर है जहां पर दिन के 12 बजे भगवान के प्राकट्य का समय माना गया है। और देखिए राधा दामोदर दास मंदिर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ठाकुर जी को कितनी और देखिए प्रदेश का एकमात्र मंदिर ऐसा जहां पर दिन के 12 बजे रात्रि में नहीं बल्कि दिन के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। चौड़ा रास्ता स्थित है राधा दामोदर मंदिर और मंदिर में मनाया जा रहा है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, जहां पर आज रात्रि के 12 बजे अन्य मंदिरों में, प्रदेश के अन्य मंदिरों पर जहां पर आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, वहीं पर राधा दामोदर मंदिर में आज ही दिन में 12 बजे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और देखिए राधा दामोदर मंदिर से ये लाइव तस्वीरें, जयपुर के राधा दामोदर मंदिर की ये तस्वीरें, जहां पर सभी संत गण मिलकर ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, प्रदेश का एकमात्र मंदिर ऐसा जहां पर भगवान का जो प्राकट्य का समय है वो 12 बजे, दिन के 12 बजे माना जाता है और अन्य मंदिरों में हम देखते हैं हमेशा रात्रि के 12 बजे ही माना जा रहा है, तो अभी फिलहाल मंदिर में किस तरीके से भगवान के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है और किस तरीके से उनकी पूजा की जा रही है? देखिए राजधानी जयपुर में और छोटी बराती जो कहते हैं जयपुर को, वहाँ पर जो दामोदर दास मंदिर मौजूद है वहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं और आप लाइव तस्वीरें जो देख सकते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं बड़ी संख्या में मंदिर में उमड़ रहे हैं। और क्योंकि इस मंदिर की खास बात ये है कि क्योंकि हर मंदिर में अगर हम देखें प्रदेश के, तो रात को जो है कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन ये प्रदेश का इकलौते ऐसा मंदिर है जहां पर दिन में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। इसको देखने के लिए, इस नज़ारे को देखने के लिए राजधानी जयपुर के जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में इस समय मंदिर में मौजूद हैं और 12 बजे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर जन्म लिया, उस दौरान जो है बैंड बाजे के साथ जो है भगवान का स्वागत किया गया। इस दौरान मंदिर में भारी संख्या में जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है और काफी संख्या में जो बड़ी तादाद में जो भक्त हैं वो ये नजारा देखने के लिए मंदिर पहुँचे हैं। जी शुक्रिया आपका कुणाल तमाम जानकारी के लिए। और देखिए राधा दामोदर मंदिर से ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मंदिर में मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और यहाँ पर भगवान के विग्रह को विशेष श्रृंगार कर सजाया जा रहा है। एक मनमोहक झांकी भगवान की यहाँ पर दिखाई जा रही है, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की,
और आज जगह जगह हर मंदिर में, देश प्रदेश में हर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लग रहे हैं। जय कन्हैया लाल की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है, क्योंकि जन्माष्टमी का पावन पर्व है और इस मौके पर हर कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो रहा है। गुलाबी नगरी आज कृष्णमय हो रखी है और राधा दामोदर मंदिर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये झांकी, ये दिव्य झांकी, ये मनमोहक झांकी आपको सच बेधड़क दिखा रहा है। जन्मोत्सव आज भगवान श्री कृष्ण का है और यहाँ पर ये देश, ये प्रदेश का एक ऐसा एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय दिन में 12 बजे मनाया जाता है। यानी कि पूरे प्रदेश में जहाँ हर मंदिर में आज रात्रि को 12 बजे भगवान के जन्म का अवसर मनाया जाएगा, भगवान के जन्म का हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया जाएगा। वहीं यहाँ पर अभी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, भगवान का प्राकट्य हो चुका है और इसी के चलते राधा दामोदर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हो रही है और सभी लोग यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरणों में नमन कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो रहे हैं।
और देखिए चौड़ा रास्ता स्थित राधा दामोदर मंदिर की ये लाइव तस्वीरें, भगवान की दिव्य आरती की जा रही है, भगवान का यहाँ पर विशेष श्रृंगार किया गया है और एकमात्र मंदिर ऐसा जहाँ पर दिन में भगवान श्री कृष्ण के जन्म को मनाया जाता है, जन्म का उत्सव मनाया जाता है। और देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की धूम पूरे देश में आज, और हर जगह श्री कृष्ण की भक्ति में यहाँ पर गुलाबी नगरी कृष्णमय हो गई है और भगवान की कृष्ण में रंगे हर कोई भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगा हुआ आज नजर आ रहा है। और राधा दामोदर मंदिर से ये लाइव तस्वीरें, जहाँ पर देखिए एकमात्र मंदिर ये ऐसा है जहाँ पर दिन के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दिन में 12 बजे ही जन्म लेते हैं और भगवान का प्राकट्य भी दिन में ही हो जाता है। और देखिए इस मंदिर का अनोखा इतिहास और अनोखी मान्यता और अनोखी परंपरा। और राधा दामोदर मंदिर से ये लाइव तस्वीरें, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की झांकी दिखाई जा रही है, ये दिव्य झांकी, ये मनमोहक झांकी भगवान श्री कृष्ण की, ठाकुर जी की, और आज केसरी रंग की विशेष पोशाक ठाकुर जी को पहनाई है। और देखिए भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से एक सुंदर झांकी ठाकुर जी की यहाँ पर दिखाई दे रही है। विशेष श्रृंगार आज ठाकुर जी का किया गया है। और राधा दामोदर मंदिर की ये तस्वीरें, और देखिए आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हर कोई हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहा है और हर कोई उतारू हो रहा है कि कब रात्रि के 12 बजे और कब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो और वो उत्सव मना पाए। और वहीं राधा दामोदर मंदिर में भगवान का जन्म अभी ही हो गया है और दिन में ही भगवान के प्राकट्य को मानकर यहाँ पर उनकी पूजा की जा रही है, महाआरती यहाँ पर भगवान की हो रही है। पहले सुबह सुबह महाअभिषेक पंचामृत से अभिषेक कर भगवान को नहलाया गया और उसके बाद उन्हें विशेष केसरी रंग की पोशाक पहनाई गई, उनका श्रृंगार किया गया और साथ ही में सभी भक्तजनों का भी मंदिर परिसर में तांता लगा हुआ है। देखिए छोटी काशी में आज जन्मोत्सव की धूम, जन्माष्टमी की धूम, और एकमात्र मंदिर ऐसा जहां पर भगवान श्री कृष्ण दिन में ही जन्मे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे प्रदेश में आज गूंज रही है और भगवान श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। गुलाबी नगरी आज कृष्णमय हो गई है। और मंदिर में देखो मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और लाइव तस्वीरें आपको
चौड़ा रास्ता के राधा दामोदर मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां पर माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिन में 12 बजे होता है और बाकी जगह जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे माना जाता है, वहीं ये एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिन के 12 बजे होता है।